हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में रोज की तरह चाय बनाने के लिए। सोचा मैंने कि आज वीडियो मॉर्निंग से ही चालू कर लेते हैं। बाकी तो अगर मॉर्निंग से चालू हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर तो पता नहीं होता कि कब स्टार्ट होगी। यहाँ मैं आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये यहाँ मैं मलाई लेके आई हूँ और मलाई को मैं चला रही हूँ। इसका मैं बनाऊँगी पहले बटर। मैं तो बस हाथ से ही चला के बना लेती हूँ। आप चाहें तो जो ग्राइंडर वगैरह आता है उससे भी बना सकते हैं, और बीटर आता है उससे ही बना सकते हैं, और जो मिक्सी का जार होता है बड़ा वाला उसमें भी बना सकते हैं। मेरा हाथ से ही निकल जाता है। मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चलाने में ही बटर निकल जाता है मेरा। ये देखिए, जो चला चला के ये गाढ़ा हो चुका है। बस अब 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही बल्कि ये बटर पानी जो है वो जो मट्ठा बोलते हैं उसको वो छोड़ देता है। पानी से, ठंडे पानी से वॉश करके ये मठा वटा अलग निकाल दूंगी और बटर अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको गर्म कर लूंगी तो इसका घी निकल जाएगा। चलाते हुए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मतलब बॉईल करेंगे, गरम करने देंगे, इसे गरम होने देंगे, क्योंकि ना ये अगर चलाओगे ना तो नीचे फिर लग जाता है। छान लेंगे, बस रेडी हमारा घी।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग क्या 11 बज रही है अभी। सब्जी बना रही हूँ, मैंने सोचा काम निपटा के फ्री ना हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहाने के बाद किचन में काम नहीं किया जाएगा। और अभी अभी घी बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये देखिए, ये घी मेरा निकल चुका है इस टाइप से। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी जो भी है शेयर कर दूँगी। आज मैंने कोई भी वैसी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो क्या मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। सिंपल सी सब्ज़ी होती है तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और दूध वगैरह मेरा बॉयल हो चुका है, नहीं मैं अब बस ये करके और आटा लगा के बनाने चली जाऊँगी। उसके बाद फिर रोटी वगैरह वो तो अभी थोड़ी देर बाद सोचूँगी क्योंकि अभी तो खानी है नहीं। बस मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे उसके बाद बातें करने का भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि काम से लग जाता है ना इंसान, तो फिर दिमाग से ही निकल जाती है और मैं पूरी वीडियो में बात ही नहीं कर पाती, इसलिए किचन में काम करते करते ही मैं आप लोगों से बातें कर सकती हूँ। सही है ना, इंसान को बिजी रहना चाहिए, फालतू और फ्री तो रहना ही नहीं चाहिए। मुझे तोरे की सब्ज़ी एक्चुअली बहुत पसंद है क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे अच्छी सब्ज़ी मुझे लगती है। मुझे टिंडे की सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। टिंडों को तो क्या है कि किसी भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन तोरे ही बहुत सिंपल सब्ज़ी होती है। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा रसीली नहीं बनाती, थोड़ी बहुत रसीली ही बना पाती। नींबू वगैरह डाल के बहुत टेस्टी लगती है तोरे की सब्ज़ी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे अधिकतर लोगों को तोरई, लौकी ये सब नहीं पसंद होती। लौकी तो मुझे भी पसंद नहीं है लेकिन तोरई मुझे अच्छी लगती है। तो बस रेडी है मेरी सब्ज़ी, और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से गर्मी कर रहे हैं। देखिए किचन में तो काम करते समय गर्मी लगनी ही लगनी है, भले आप कितना भी एसी कूलर कुछ भी चला लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सही कह रही हूँ ना। देखिए मेरी ये देखिए सब्ज़ी मेरी बस रेडी होने वाली है, 2 मिनट इसको और बॉईल करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये बन चुकी है। बस इतना ही पानी मैं ऐड करती हूँ इसमें। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ तो बारिश भी नहीं आ रही है, और जगह तो फिर भी बारिश आ रही है, यहाँ बारिश नहीं है ना इसलिए ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी तो देखिए सभी के यहाँ हो रही है, चाहे बारिश आ रही है तो भी गर्मी तो हो ही रही है। ऐसी गर्मी में लगता है कि कुछ बस किचन में काम ना करना पड़े, और सर्दियों में लगता है कि बस किचन का ही काम करना पड़े। चलिए गर्मी भी चलती रहेगी, काम भी चलते रहेंगे, ना गर्मी रुकने वाली है ना काम रुकने वाले हैं। तो बस अपने काम से लगकर आगे यहीं आप लोगों से मैं देखते हैं अभी वीडियो में आगे और क्या ऐड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से आगे। वीडियो अगर एंड नहीं कर पाऊँ तो वॉइस ओवर में कर दूँगी, उसके लिए फिर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा धो करके, खाना वाना खा चुकी हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियो का यहीं एंड कर लिया जाए। और आपसे एक न्यू वीडियो ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ज़रूर बजाइए मतलब उसको ज़रूर प्रेस करिए, और ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।